बहुत इम्पोर्टेंट कॉल थी, लेकिन अब जो बात मैंने आपसे करनी है ना, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। ऐसी कौन सी बात करनी है तुमने? अम्मी वो मैं कुछ कुछ किसी मैं किसी को पसंद करती हूँ। पिज्जा, बर्गर, पता है मुझे फास्ट फूड पसंद है तुम्हें। नहीं, आई मीन किसी को। एलिफेंट? हाँ, मुझे पता है तुम्हें एनिमल्स पसंद है। ओ ओ ओ वेट, शाहरुख खान। कमरे में पोस्टर नहीं लगाने दूंगी मैं। ना 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 ना, इसकी इजाजत नहीं दे सकती। मम्मा, शाहरुख खान नहीं, मैं लड़के को पसंद करती हूँ। तो बेटे, शाहरुख खान भी तो लड़का ही है। टेक्निकली तो अंकल है, लेकिन मेरा मतलब है मैं किसी और तरीके से किसी लड़के को पसंद करती हूँ। मैं शादी के लिए लड़के को पसंद करती हूँ। What? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मामा, अब बता रही हूँ ना। अब बता रही हो तुम? पहले क्यों नहीं बताया? मामा, वो मैं सॉरी, बैठो, मेरी बेटी डर गई। मजाक कर रही थी भाई, यू नो मी। वैसे अभी तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही थी मैं। किससे? तुम्हारी होने वाली सास से। और किससे? ना होने वाली सास से। आप तो ना होने वाली सास है, लेकिन खातून जो है ना, वैसे काफी समझदार है। हमने उनकी समझदारी का अचार डालना है। आप प्लीज उनको कॉल करके मना कर दें, मैं सिर्फ साथ से शादी करूंगी। हाँ, अभी उन्हें कल तो आने दो ना, बात करते हैं। कोई एथिक्स होते हैं, आराम से मना करो। मामा, जब शादी करनी ही नहीं है तो फिर घर बुलाने का क्या फायदा है? वो मेरा मसला है, वो छोड़ दो, I'll handle that. तुम मुझे ये बताओ कि ये साद कौन है, कैसा लड़का है, कितनी दफा मिल चुके हो तुम दोनों? मामा, मैंने उसे घर बुलाया ना, देख लीजिएगा कि कैसा लड़का है। अब क्या तुमने मुझसे पूछे बगैर उसे घर बुला? मामा, not again. Okay. अच्छा बताओ,